हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है हिज और हर फीलिंग्स इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स। यानी आपके पर्सन कैसा महसूस करेंगे या करेंगी अगले कुछ घंटों में। ओके, तो ये रीडिंग टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे हैं, यह तभी आपके साथ रेजोनेट करेगी, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। ओके व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे। तो हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है, देखनी है। ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन करने की कोशिश ना करें। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है, रिलेट करता है, उतना ही एक्सेप्ट करें एंड लीव द रेस्ट। ओके, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सभी के लिए मैसेजेस आएंगे, कोई पर्सनल स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आइए चलिए देखते हैं कि अगले कुछ घंटों में आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, क्रश हैं, पार्टनर हैं, एक्स हैं, वो कैसा फील करेंगे। उनके नाम पर ध्यान दीजिए, उनकी छवि पर फोकस कीजिए। चले देखते हैं, और पॉजिटिव रहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉजिटिव रहिए। सो हियर वी हैव फाइनेंस। ओके, नेक्स्ट फ्यू आवर्स, ठीक है। ओके, नाइस। ओ माय गॉड, देखिए सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या ये पर्सन जो है, इनसे आपको प्यार हो गया है? और ये प्यार बहुत पुराना नहीं है, नया नया प्यार हुआ है क्या आपको इनसे? नया नया रिसेंटली, कुछ महीनों पहले ही प्यार हुआ है क्या? क्योंकि यहाँ पे फ्रेशनेस की वाइब है, ऐसा लगता है। क्योंकि इस इंसान बताएंगे अभी, तो अगले कुछ घंटों में ऐसा लगता है सबसे पहली चीज़ कि ये इंसान जूझ रहा है परेशानियों से। यस, अगले कुछ घंटों में जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसके अगले कुछ घंटों में ऐसा लगता है कि इनको चिंता हो रही है इनके फाइनेंसिस की। आई डोंट नो क्या फाइनेंशियल बर्डन है, क्या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है लाइफ में, लेकिन इनको अपने फाइनेंसिस की और करियर की चिंता अगले कुछ घंटों में हो रही है। ऐसा मत सोचेगा, अरे फाइनेंसिस के बारे में सोच रहे, मेरे बारे में नहीं सोच रहे। उनको चिंता है, ऐसा लगता है कि जैसे उनको अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, या फाइनेंशियली अपने आप को ग्रो करना है, उसके बारे में स्ट्रेस ले रहे हैं। या उनका करियर अगर ट्रैक पर नहीं है या स्टेबल नहीं चल रहा है, उसके बारे में ये स्ट्रेस ले रहे हैं, ऐसा लगता है। और यह मैसेज भी है, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो क्योंकि ये इंसान फाइनेंशियली कहीं स्टक है, फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत है, फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं टू फुलफिल, तो उस वजह से ये इंसान अगले कुछ घंटों में भी अपने फाइनेंसिस की चिंता कर रहा है कि मैं फाइनेंसिस को कैसे ग्रो करूँ, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे जो पैसे की ज़रूरत है, या जो मुझे फंड्स चाहिए, वट एवर इट इज़, या मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मैं उसे कैसे करूँ। इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस। तो मैं उसको कैसे मेंटेन करूं, या कैसे अपनी फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करूं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत दिक्कत है, लेकिन चिंता है। ओके, ऐसा नहीं है कि वो किसी से बोरो कर रहे हैं पैसे या कुछ ऐसा चल रहा है, नहीं, उनको स्ट्रेस है इस बात का अगले कुछ घंटों में। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि शायद करियर भी इनका एज इट इज़ नहीं चल रहा है, या वैसा नहीं चल रहा है जैसा ये एक्सपेक्ट करते हैं, करती हैं। तो करियर में भी अनस्टेबिलिटी है, जैसे अगर किसी चीज़ के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, पढ़ाई भी अब अच्छे से नहीं हो रही। हो सकता है कि अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको वो उतना नहीं मिलता है जितना वो डिज़र्व करते हैं, या वो बहुत कुछ और भी एक्सपेक्ट करते हैं। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है, बिज़नेस वगैरह है तो उसमें इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर कुछ भी उनके कुछ आइडियाज़ और प्लान्स थे कुछ और प्रोफेशन या किसी और स्किल या किसी और कार्य में जाने के, वहाँ पर आउटकम अच्छा नहीं मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिस वजह से करियर भी अनस्टेबल हो रहा है, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिल रही इतनी अच्छी, तो उस वजह से देखिए टेंशन तो आता है, एक लोड आता है। क्योंकि यहाँ पर अगला कार्ड है हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यहाँ पर सच में इनका फैमिली इशू भी कोई चल रहा हो सकता है, परिवार में किसी तरह का क्लेश कलह,
लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार किसी मुसीबत से निपट रहा है, यानी कि कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है इनकी फैमिली, ऐसा हो सकता है। ये हेल्थ इशू भी हो सकता है, या इनके पेरेंट्स थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग और थोड़े इस टाइप के हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये अंडर प्रेशर फील करते हैं। ये कुछ भी परफॉर्म करेंगे, कोई भी काम करेंगे, इनको बार बार पेरेंट्स का डर लगा रहता है। पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, तो उस बात का इनको टेंशन रहता है। पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं समझेंगे, सुनेंगे नहीं सुनेंगे, तो उनको इस बात का भी डर लगा रहता है। तो आई थिंक यहाँ पर इनके फैमिली के इश्यूज अभी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, वो किसी भी टाइप के इश्यूज हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ मैसेज भी है, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। तो कहीं ना कहीं इनके पेरेंट्स का कोई तो ऐसा कंट्रोल, कोई तो ऐसा इंटरफेरेंस, डोमिनेशन, या कुछ ऐसा बिहेवियर रहा है, या कुछ ऐसे डिसीजंस रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जो पर्सन हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनको काफ़ी बर्डन उठाना पड़ा है, या इनके ऊपर काफ़ी बर्डन आया है। वो पढ़ाई का हो, या फाइनेंसिस का हो, या और भी, अगर इनके पेरेंट्स, जैसे कुछ पेरेंट्स की आदत होती है अपने बच्चे को कंटिन्यूसली कंपेयर करते हैं दूसरों के बच्चों से, और लेकिन वो अपने आप को दूसरों के माँ बाप से कंपेयर नहीं करते, वो अपने बच्चों को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करते हैं। वो उनको जैसे टॉन्ट करते हैं, ताने कसते हैं, अरे इस लायक नहीं हो, उस लायक नहीं हो, या फिर ओवर प्रेशराइज कर देते हैं इंसान को कि अरे आप कैसे जियोगे, कैसे संभालोगे, आपका कोई भविष्य नहीं है। तो इंसान फिर अंडर अंडर प्रेशर परफॉर्म करता है, वो जो भी परफॉर्म करता है। तो शायद पेरेंट्स का इंटेंशन अच्छा है, लेकिन जिस तरह से वो करते हैं, बच्चे जो होते हैं या यंगस्टर्स भी होते हैं या अडल्ट्स भी, कभी कभी थोड़ा ट्रॉमा हो जाता है उनको कि सच कह रहे हैं क्या, ये सच ऐसा ही होगा, क्योंकि पेरेंट्स थोड़े एक्सपीरियंस भी हैं, तो इंसान डर जाता है कि आई थिंक दे आर राइट। तो कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनका भी दिल दुखा है परिवार की वजह से, और हो सकता है शायद ये एग्जैक्ट जो फैमिली है उसकी बात ना हो रही हो, रिलेटिव्स ने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से ये लोग प्रॉब्लम में है, टेंशन में है। तो एक टेंशन का माहौल तो है इनके घर में, ये तो दिख रहा है व्यूअर्स। और कहीं ना कहीं यहाँ सेपरेशन का कार्ड आया है, तो हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ये किसी चीज़ के सेपरेशन को लेकर भी सोच रहे हैं। तो इनकी फैमिली में कोई सेपरेशन हुआ है, या ये किसी से सेपरेट हुए हैं, किसी से अलग हुए हैं, इन्होंने किसी को खोया है, इनका कोई फ्रेंड इनसे दूर चला गया है, या किसी से इनकी दोस्ती टूटी है, या इनके परिवार में इन्होंने किसी को खो दिया, किसी बहुत क्लोज और किसी बहुत डियर और नियर वन को खो दिया है इन्होंने, ऐसा लगता है। और नहीं तो इनको ऐसा चिंता है कि ये किसी को खो देंगे। स्पेशली अगर ये मैं सही सही बताऊं तो, क्योंकि इनको ये जो फीलिंग्स जनरेट हुई हैं इनके मन में, वो आपके लिए हुई हैं। ऑल्सो इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स, अगले ही कुछ घंटों में ये जो इंसान है आपके लिए, वो फ्रेशनेस जो है प्यार में जो होती है, नयापन है, न्यूनेस है, ताजगी है, और जैसे जैसे रोमांटिक फील होना स्टार्ट होता है जब, तो इस तरह के ऐसा लगता है रोमांटिक फीलिंग्स इनके अंदर डेवलप हो रही हैं, जनरेट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको घर में वो अफेक्शन या केयर या प्यार नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर वो सब जनरेट फिर आपके लिए हो रहा है। क्योंकि आप उनसे अच्छे से बात करते हो, या आप उनको अच्छे से ट्रीट करते हो, केयर करते हो, थोड़ा उनके इमोशंस की वैल्यू करते हो, उनको डोमिनेट ना करके उनको सपोर्ट वगैरह करते हो, वॉट एवर यू डिड, आपने जितना भी जो भी किया है, चाहे बोल के क्यों ना किया हो, अब तक एक्शंस ना लिए हो आपने, शायद बोल कर ही उनको केयर जताई हो, तो भी इस इंसान के मन में आपके लिए एक न्यू लव डेवलप हुआ है। न्यू लव डेवलप हुआ है क्यों? क्योंकि एक मैसेज यहाँ पर ऐसा है, न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। तो यस, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स जैसे आपने ट्रिगर कर दी, जो जो दरवाजे बंद थे वो दरवाजे आपने खोल दिए हैं, इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपने ट्रिगर कर दी हैं, जनरेट कर दी हैं, डेवलप होने लगी हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए, और ये इनके लिए एक न्यू लव है, इनके लिए न्यू एक्सपीरियंस है, इनके लिए बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि क्या आपने भी इस इंसान को कुछ महीने पहले ही पसंद किया है, या फिर कुछ महीने पहले ही आपको इनसे प्यार हुआ है, क्योंकि ये इनकी तरफ से बहुत नया नया लग रहा है। तो यस, क्योंकि इनको अपने लाइफ में कहीं पे भी पीस, लव और शांति नहीं मिल रही है, इन्होंने आप में वो शांति ढूंढी है, इन्हें आप में वो स्माइल कर पाना, खुश हो पाना,
कंफर्टेबल फील करना, थोड़ा लाइटर फील करना, ये आपके साथ पॉसिबल उनको लग रहा है और इसीलिए आपके प्रति उनके अंदर वो रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट हुई हैं। बट बिकॉज उनके फैमिली डायनामिक्स ऐसे हैं, उनके फाइनेंशियल सिचुएशंस ऐसे हैं, दे हैव डाउट और दे हैव अ फियर कि वो आपसे भी सेपरेट हो जाएंगे ऐसी परिस्थितियों में। सो दे आर नॉट टेकिंग एनी एफर्ट, दे आर नॉट अप्रोचिंग यू और दे आर नॉट टेकिंग एनी डिसीजन, वो कोई भी फैसला नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रही हैं, या कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रही हैं, और आपको उस वे में अप्रोच नहीं कर रहे हैं जिस वे में इनकी फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं। बिकॉज ऐसा लगता है कि इनको लगता है कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में मैं हूँ, जिस तरह के सिचुएशंस में मैं हूँ, ऐसे में तो आप भी उनके साथ नहीं टिक पाओगे, या आप भी कब तक उनके साथ साथ दे पाओगे, उनका साथ रह पाओगे, आप भी, आपसे भी उनका सेपरेशन हो जाएगा, आपसे भी वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि अब वो अपना अटैचमेंट अपना प्यार और अपना लव जो भी कुछ है, अगर वो आप में अब इन्वेस्ट करने लगेंगे अपनी फीलिंग्स को, तो उन वो आपसे दूर नहीं हो पाएंगे आसानी से। और क्योंकि उनकी फैमिली और फाइनेंशियल या करियर सिचुएशंस जो भी हैं, उनको लगता है कि इस वक्त उनके पास टाइम ही कहाँ है लव लाइफ पर ध्यान देने के लिए, टाइम ही कहाँ है, उनको जिम्मेदारियाँ देखनी हैं और भी बर्डन है उनके ऊपर, वो संभालने हैं, और शायद उनकी फैमिली इतनी सपोर्टिव नहीं है दूसरी चीज़ों में, तो लव लाइफ में कहाँ से सपोर्टिव होगी, तो फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, फैमिली उनको अलाउ नहीं करेगी, तो वो सोचते हैं अब जिस गली अब जाना नहीं, जहाँ वहाँ पर अब उसका रास्ता क्यों पूछना, जो चीज़ खरीदनी नहीं उसका प्राइस क्या पूछना, या जिस तरफ जाना नहीं उसका एड्रेस क्या पूछना। तो यहाँ पर ऐसा ही लगता है कि इनको आपके प्रति एक न्यू लव महसूस होना शुरू तो हुआ है, रोमांटिक फीलिंग्स जनरेट तो हुई हैं, लेकिन इनके अंदर ये डर है। अगले कुछ घंटों में ये ऐसा सोच रहे हैं कि हाँ, मुझे इनकी तरफ अट्रैक्शन और प्यार फील तो हो रहा है, इनके बारे में सोच के अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, क्योंकि वैसे ही सिचुएशन मेरी ऐसी है, अब मैं ऐसे में एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की सोचूं या आगे बढ़ने की सोचूं प्यार में, आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल या टेंशन बन जाएगा आगे जाके, क्योंकि फैमिली ऐसी रहेगी या मेरी सिचुएशंस ऐसी रहेंगी तो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। तो ये इंसान शायद इस वजह से फीलिंग्स होने के बाद भी पीछे हटता हुआ आपको दिखाई दे, या ये आपको पीछे हटती हुई दिखाई दे, आपको लगेगा कि ये इंसान इमोशनली अटैच है आपसे या रोमांटिकली आपके लिए फील करता है, आपको ऐसा महसूस होने लगेगा, आपको ऐसे हिंट्स या जेस्चर्स भी शायद देखने को मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको लगेगा फिर भी ये इंसान ज़बरदस्ती पीछे हट रहा है, ये ज़बरदस्ती ऐसे बिहेव कर रहा है कि जैसे कुछ नहीं है, या डिनाई कर रहा है जान के, आपको ऐसा लगेगा। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं जिसमें सब कुछ मिक्स्ड है, स्ट्रेस तो है ही, और फिर जहाँ पर आपके लिए उनको फील हो रहा है वहाँ पर भी स्ट्रेस आ रहा है बार बार कि अलग हो जाएंगे, क्योंकि सिचुएशंस ही ऐसे हैं, सिचुएशंस आपको साथ ही नहीं रहने देंगे, आपको अलग कर देंगे, उनको ऐसा लगता है, इसीलिए वो अपना इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते टाइम वाइम। तो ऐसा नहीं है फीलिंग्स नहीं है, पर उनके सिचुएशंस फेवरेबल नहीं है ऐसा कह सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स कि अभी ना वो इस सिचुएशन को छोटे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, यानी छोटे एंगल से देख रहे हैं, या उनका जो विजन है अभी इतना बड़ा नहीं है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ये परिस्थिति अभी जो है प्रेजेंट में करेंटली उसको देखकर ही बोल रहे हैं हाँ, हमारा सेपरेशन हो जाएगा, हम साथ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मेरी फैमिली सिचुएशंस, फाइनेंशियल और करियर सिचुएशंस ऐसी ऐसी हैं, इसीलिए हम साथ नहीं रह पाएंगे। और वो ऐसा नहीं सोच रहे हैं, इस बात पर दिमाग नहीं लगा रहे हैं कि ये फैमिली सिचुएशंस भी चेंज हो सकती हैं, फाइनेंशियल सिचुएशंस भी चेंज हो सकती हैं, लेकिन ट्रू लव को छोड़ना सही बात नहीं है, या जो इंसान आपका साथ दे सकता है, आपके लिए केयर करता है, उसको छोड़ना सही बात नहीं है, या अपना प्यार अगर है, फीलिंग्स अगर हैं, तो उसको सप्रेस करना, दबाना अच्छी बात नहीं है। तो वो ये नहीं सोच रहे हैं कि आगे ये सब चेंज हो जाएगा, अगर अभी सिचुएशंस फेवर में नहीं है तो कल को ये बदल सकती हैं, कल को टाइम बदल जाएगा, समय बदल जाएगा, तो परिस्थितियां भी बदल जाएंगी। इतना लंबा सोचकर नहीं चल रहे हैं, बस अभी अभी का सोच रहे हैं कि अभी तो कुछ अच्छा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है अभी ऐसा कुछ करके, तो ये इंसान हायर पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं। हुँ.
मुझे ऐसा लगता है वो सोच रहे हैं कि वो खुद ही बार बार लाइफ में ना प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जैसे पेरेंट्स के ताने हैं या करियर में धक्के खाना है। अब ऐसा नहीं है बहुत बुरा चल रहा है करियर, लेकिन उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो इस तरह से स्ट्रगल है उनकी लाइफ में अभी, स्ट्रगल है उनके लाइफ में अभी, क्रिटिसिज्म भी है, लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, शायद उनको जज भी कर रहे हैं इस समय। तो इस समय उनको लगता है व्यूअर्स कि उनका समय ना बहुत अनस्टेबल सा है, उनको अनस्टेबिलिटी फील होती है, और ऐसे समय में उनके अंदर कहीं ना कहीं उनके अंदर इस समय ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे वो कुछ प्रोवाइड कर पाए, यू अंडरस्टैंड, मतलब वो खुद ही स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो जैसे अगर आप उनको केयर करते हो, प्यार करते हो, अच्छे से ट्रीट करते हो, तो आप एक्सपेक्ट भी करोगे ये भी इंसान आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करे, बहुत केयर करे, ये करे वो करे, अटेंशन इतना दे उतना दे। और ये लाइफ में इतना इतना फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना क्रिटिसिज्म, इतना जजमेंट्स, ये सब हो रहा है, तो इनको ये लगता है वो ये सब कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको, जो सब जो जो चीज़ें आप प्रोवाइड कर रहे हो। तो दे थिंक दे विल लैक इन दैट, उनको लगता है कि आपकी तरफ इनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी जो आप भी एक्सपेक्ट करोगे, फिर आपसे भी उनका कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो ये जो इंसान है ऐसा, इनको ऐसा लगता है मेरा समय ना अभी मेरे फेवर में नहीं है, मेरी किस्मत अभी मेरे फेवर में नहीं है, इसीलिए बस ये थोड़ा दूर भाग रहे हैं। सो दिस वॉज द रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने परसेंट रेजोनेट होती है आपके साथ, और अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।